बिलाल पाशा कोई आम पाकिस्तानी शहरी नहीं था, सीएसएस ऑफिसर था, और इतने बड़े ऑफिसर की अचानक मौत वाकया हो जाना, सवाल तो बनता है, जवाब तो देना पड़ेगा। एक ईमानदार ऑफिसर के साथ हमारे पाकिस्तान में क्या सलूक किया जाता है, ये तो आप बिलाल पाशा की ज़िंदगी को देखकर ही सीख लें। बनू पुलिस के मुताबिक बिलाल पाशा को हार्ट अटैक आया, मगर बिलाल पाशा के करीबी दोस्तों का कहना है कि बिलाल पाशा ने खुद को गोली मारी। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर बिलाल पाशा को हार्ट अटैक आया तो उसके बॉडी पे ब्लड कैसा लगा था? उसके दोस्तों के मुताबिक बिलाल पाशा की बॉडी खून में लथपथ क्यों थी? और अगर उनके दोस्तों के मुताबिक बिलाल पाशा ने खुद को मारा था तो अब तक बनू पुलिस ने ये रिपोर्ट क्यों नहीं साबित की कि वो पिस्टल किसकी थी, उस पर उंगलियों के निशानात किसके थे, पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहाँ है, बिलाल पाशा का मोबाइल किसके पास है, और वो अभी तक अनलॉक करके क्यों उसकी चैट वगैरह को नहीं देखा गया? बिलाल पाशा की बॉडी घर वालों को क्यों नहीं देखने दी? क्यों बिलाल पाशा के घर वालों को कोई भी कानूनी कार्रवाई करने से रोका गया? आखिर इसकी वजह क्या है?